लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 40 स्टार प्रचारक हैं, जिसमें बीएसपी मुख्य मायावती, भीम राजभर, मुनकाद अली, विजय प्रताप, राजकुमार गौतम और बीएसपी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह का नाम शामिल है। लेकिन इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी के दूसरे सबसे कद्दावर और प्रभावी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 40 नेताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिए हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव 23 जून को होगा और 26 जून को इसकी गिनती होगी। लिस्ट में नाम ना होने पर सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि 2022 में जो प्रचार करना था वो मैंने कर दिया है। फिलहाल अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है। आपको बता दें कि बीएसपी में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्र दूसरे नंबर पर आते हैं और स्टार प्रचारक की लिस्ट में से नाम गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार 150 चुनावी सभाएं सतीश चंद्र मिश्र ने की थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि उनका नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाया गया है। ऐसे राजनीति गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन बसपा केवल आजमगढ़ से लड़ रही है। आजमगढ़ से बीएसपी ने गुड्डू जमाली को टिकट दिया है, तो वहीं सपा से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। भाजपा की तरफ से एक बार फिर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को मैदान में उतारा गया है। 2004 से पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने बसपा ज्वाइन की थी। तब से लेकर 2022 तक के विधानसभा चुनाव तक सतीश चंद्र मिश्रा स्टार प्रचारक बने रहे। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा मुख्य मायावती से भी ज्यादा चुनावी रैली सतीश चंद्र मिश्रा ने की थी। ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम न होना सबके लिए चौंकाने जैसा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सतीश चंद्र मिश्रा ने करीब 160 रैलियां की थी। इसके अलावा बात करें बसपा की, तो महिला विंग से जुड़ी सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी ने 6 रैलियां की थी और उनके बेटे कपिल मिश्रा ने 8 यूथ सम्मेलन को संबोधित किया था। यानी कि देखा जाए तो पूरे परिवार ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार किया था। आपको बता दें कि मायावती विधानसभा चुनाव में हारने की वजहों की समीक्षा कर रही हैं, लेकिन इस बैठक में पहले जैसी एक्टिवनेस सतीश चंद्र मिश्रा में नहीं दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, कई बैठकों में वो गए तक नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश में राजनीति का बड़ा चेहरा है और उनके अपने समर्थक भी हैं। अब देखना यह होगा कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में से नाम हटाने पर क्या सतीश चंद्र मिश्रा अभी भी बीएसपी में रहेंगे या बीएसपी को अलविदा कह देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।